अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जब हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है, इसे सही कैसे करें? चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, जब हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में इसको लॉगिन करते हैं, यहाँ पर अपनी माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी डाल देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। जब इसको लॉगिन करते हैं तो ऐसा एरर आ जाता है, द पासवर्ड यू इंटरनेट फॉर योर डिवाइस इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। ये बता रहा है कि आपने पासवर्ड इनकरेक्ट डाल दिया है, और इसमें बार बार करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद भी ये एरर नहीं जाता है। इसे सही कैसे करते हैं? इसके लिए आपको इसे बंद कर देना है। इसे सही करने के लिए आपको अकाउंट में क्लिक करना है और इसमें जो चाबी का चिन्ह दिख रहा है इस पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। पासवर्ड लिखा हुआ है और ये चाबी का चिन्ह है, इसी पर क्लिक करना है। और विंडोज 11 में यूज ए पासवर्ड इन साइन इन टू विंडोज ऐप एंड सर्विस को ऐड कर लेना है और हमें नए पासवर्ड बना लेने हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना लीजिए और दोबारा इसे कंफर्म कर दीजिए और कुछ भी हिंट दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें आगे पासवर्ड फॉरगेट करने में आसानी होगी। और इसे नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। और दोबारा हम विंडोज 11 में साइन इन के ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें योर इन्फो पर क्लिक करेंगे। साइन इन विद ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और अपने मेल आईडी डालकर इसे लॉगिन कर लेंगे और इसमें पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों, हमने वहां पर जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहां पर डाल देना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा और हम यहाँ पर कंप्यूटर के लिए पिन सेट कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ऊपर पिन भी सेट हो गया है और हमारी माइक्रोसॉफ्ट मेल आईडी भी ऐड हो गई है। इस तरह आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटे पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।